हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप एक ऐसा ट्यूटोरियल देखने वाले हैं जिसके द्वारा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर ही मेक जॉक ऑफ कार्टून वीडियोस की तरह सेम वीडियोस बना सकते हो। मैंने एक जॉक बनाया है जो कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वीडियोस क्या एंड्रॉयड फ़ोन पर ही बनी है। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, बस आप एक बार देखिए। अबे तू भी इंटरव्यू के लिए आया है? संभल के रहियो, डेंजर है। कम यार बच्चों, चल मैं अभी आता हूँ, फिर बताता हूँ। हाँ तो बेटा बताओ, मान लो कि आप किसी ट्रेन में बैठे हो और अचानक आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करोगे? सर जी, मैं सबसे पहले खिड़की खोलूंगा। बहुत अच्छे, तो आप समझो कि उस खिड़की का क्षेत्रफल 1.5 स्क्वायर मीटर है और डिब्बे का घनत्वफल 12 मीटर 3 है और ट्रेन 80 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है और वायु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड दक्षिण की ओर है, तो वो डिब्बे कितने समय में ठंडा हो जाएगा? पता नहीं सर। कितना सरल सवाल था। ठीक है जाओ, कुछ नहीं आता गधे को, इंटरव्यू देने चले आए। क्या पूछा क्या पूछा? अरे भाई ये सवाल था। नेक्स्ट। नमस्ते सर। मक्खन लगा रिया है? हाँ बेटा, नमस्ते नमस्ते। पूछिए सर। हाँ तो बेटा बताओ कि मान लो कि आप ट्रेन में बैठे हो और अचानक आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करोगे? सर मैं सबसे पहले अपना कोट उतारूंगा। बहुत अच्छे, और अगर फिर भी गर्मी लगती है तो सर फिर मैं अपनी शर्ट उतार दूंगा। और बेटा अगर फिर भी गर्मी लगती है तो सर मैं अपनी बनियान भी उतार दूंगा। बेटा अगर फिर भी गर्मी लगती है तो क्या करोगे? सर मर भी गया तो चलेगा, मगर खिड़की नहीं खोलूंगा। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियोस आप अपने एंड्रॉइड फोन में बना सकते हैं। आप चाहे तो फनी वीडियोस बनाइए या फिर स्टोरी वीडियोस या फिर यूट्यूब पर अपना फनी कार्टून चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, एक एमजॉक 2 और दूसरा काइनी मास्टर। इन दोनों के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, मैं डायरेक्ट इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मेजॉक 2 ऐप को ओपन करते हैं और इसका इंटरफेस देख लेते हैं और इसको कैसे यूज़ करना है ये सब सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ स्क्रीन्स रहती हैं जो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ के कोई जोक बनाना चाहते हैं तो आप होम स्क्रीन ले सकते हैं। इसी तरह का कोई भी ऑफिस का या फिर कोई गार्डन का आप स्क्रीन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ नीचे की तरफ कुछ ऑप्शन दिए हैं जहाँ पर आपको सेटिंग है। इस सेटिंग के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो हम सेटिंग को ओपन करते हैं और यहाँ पर आपके सामने ग्राफिक, साउंड, वीडियो, लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से आपको एडजस्ट करना है, या आप चाहें तो इसे डिफ़ॉल्ट भी सेट रहने दे सकते हैं। ये वीडियोज़ और लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप चेंज मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी लैंग्वेज चेंज करते हैं तो एप्लीकेशन की पूरी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश ही रहने दीजिए और हम बैक आते हैं। और आपके सामने ये जो ऊपर की तरफ ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स आपको स्टार्ट में 30 मिलते हैं और हर वीडियो बनाने पे आपको 5 माइनस पॉइंट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके लिए कोई भी स्क्रीन चुनने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो कैरेक्टर आ जाते हैं नीचे। ये दोनों कैरेक्टर आपके लिए डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कैरेक्टर बढ़ा भी सकते हैं, आप 2 से 3 या 4 कैरेक्टर भी कर सकते हैं। ये नीचे की तरफ ऐड कैरेक्टर का ऑप्शन है, इसे टच करके आप कैरेक्टर बढ़ा सकते हैं, मगर यहाँ पर हर कैरेक्टर के लिए आपको 10 पॉइंट यहाँ पर माइनस होंगे। तो आपके पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए तब आप ये बढ़ा पाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2 कैरेक्टर की ही स्टोरी यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ और शूटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं हेडफोन का यूज़ करूँगा क्योंकि हेडफोन में क्लियरिटी अच्छी आती है, इसलिए वॉइस वगैरह भी बिल्कुल क्लियर आए तो मैं यहाँ पर हेडफोन चूज़ कर लेता हूँ। और अब आपके सामने ये स्टार्ट हो चुकी है, मेरी ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। मगर आपके सामने ये जो बटन्स है, हर बटन्स का मैं आपको डिटेल में यूज़ करके बताऊंगा। और साथ में ये जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, ये रिकॉर्डिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके ये जो कार्टून की वीडियोज़ है उसमें आपकी कोई भी बटन्स नहीं आएंगे। आपकी वीडियो जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसी ही बनेगी, कोई बटन्स नहीं आएंगे। ये बटन्स अभी मेरे इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि मैं एक्स्ट्रा स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे के सबसे बड़े जो 2 बटन हैं, इसमें से ये जो पहला बटन है जो मैं अभी ये
यूज कर रहा हूँ, इसके द्वारा आप कोई भी सिलेक्टेड एक कैरेक्टर को मूव करा सकते हैं उसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नीचे का बटन है, मैं इसको प्रेस करके आगे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो हमारे ये कैरेक्टर आगे पीछे चारों की तरफ इसके द्वारा हम घुमा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप कोई भी चेयर या मेज टेबल किसी के भी पास में अगर इसे लाते हैं तो ये एक छोटा सा बटन आ जाता है, इसे आप टच करेंगे उसके पास ले जाकर तो ये उस पर बैठ जाएगा और फिर उस पर आप चाहें तो उतारना तो उसको उतार भी सकते हैं। राइट साइड ये जो बटन है इसके द्वारा आप ये जो रूम का ये जो व्यू आप देखना चाहते हैं तो इसके द्वारा आप पूरे रूम को घुमा सकते हैं। और ये इस बटन के साइड में ये वाला बटन जो है इसके द्वारा आप इसे जंप करा सकते हैं, ये देखिए इस बटन के द्वारा। तो इन दोनों बटनों का आप यूज करके देखिए पहले। तो अब हम सेकंड कैरेक्टर को कैसे रन करेंगे, तो इसके लिए ये वाला बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पर अभी जो सिलेक्ट है वो अभी ब्लू सिलेक्ट था, अब हम रेड वाले को सिलेक्ट करके उसको मूव करते हैं, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से आप इस बटन के ऊपर जो तीसरा बटन है उसमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं और यहाँ पर आपके सामने ये जो भी बटन आप प्रेस करेंगे इनमें से कोई भी तो वो मूवमेंट आपके सामने ये कार्टून शो करेगा, जैसे कि आप हैप्पी हैं या फिर कोई भी डांस वगैरह शो करना चाहते हैं अपनी वीडियोज़ में या कोई मूवमेंट ऐसा जो आपको अच्छा लगे इसमें से यूज कर सकते हैं। और ये लास्ट का ऊपर ये जो म्यूज़िक का बटन्स है इसमें कुछ म्यूजिक हैं, आप यहाँ से इसमें दे सकते हैं वरना आप एडिटिंग के टाइम पे बाद में भी इसे दे सकते हैं। तो मैं इसका भी यूज़ बताऊंगा आगे कि किस तरह से करना है। और अब है हमारे सामने एक नीचे की तरफ एक और बटन है जो कि स्माइली का है, यानी इसमें आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप एंग्री हैं या फिर हैप्पी हैं तो उस हिसाब से आप वीडियो को बनाते टाइम पे कैरेक्टर का रोल क्या है उस टाइम पे आप इसको सेलेक्ट करके उसके एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। और ये है आपका इस साइड, राइट साइड में आपके कैमरा एंगल, आप जहाँ से भी इसको सेट करना चाहें कर सकते हैं। आपको वीडियो जो आप बना रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, वो रात में या दिन के हिसाब से बना रहे हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर है आपका रिकॉर्डिंग, जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट है आपका जूम बटन, आपको कैरेक्टर का फेस कितना सामने लाना है उस हिसाब से आप यहां से इसे चेंज कर सकते हैं। आप इसे बिल्कुल पहले सेंटर में ले आइए, सामने ले आइए इस नीचे के बटन के द्वारा। ये हमने फेस सामने कर लिया है और आपको कितने सामने रखना है तो आप जूम करके यहां पर अपने फेस को यानी कार्टून के फेस को यहां पर रख सकते हैं। तो आप जैसे ही कोई भी एक कार्टून को सिलेक्ट करते हैं तो उसका फेस बिल्कुल सामने रहे और जैसे दूसरे को टच करते हैं तो दूसरे का फेस सामने आ जाए। तो इस तरह से आप पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अपने कैरेक्टर्स को इस तरह से जमा लीजिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको ये जमा लेना है अपनी स्टोरी के हिसाब से, कितने कैरेक्टर और कौन सा रूम वगैरह आपको लेना है ये आप पहले सेट कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पर एक तीन कैरेक्टर वाला एक स्टोरी बनाऊँगा, जोक बनाऊँगा जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तो वो मैंने कैसे बनाया है ये अब आप देखेंगे। तो मैं इसके लिए एक ऑफिस की स्क्रीन ले लेता हूँ और मेरे स्टोरी में यहाँ पर तीन कैरेक्टर हैं तो यहाँ पर अभी नीचे दिए हैं सिर्फ दो, तो मुझे पहले एक कैरेक्टर को ऐड करना है। तो इसके लिए मैं ये दो कैरेक्टर ले लेता हूँ और ये ऐड कैरेक्टर का ये जो बटन है मैं इसको टच करके यहाँ से एक कैरेक्टर को ले लेता हूँ। और अभी देखिए मेरे पास इस टाइम पर 13 पॉइंट हैं तो मैं एक कैरेक्टर को ले सकता हूँ जिससे कि मेरा 10 जो पॉइंट है वो माइनस हो जाएंगे। ये देखिए मैं इसे ऐड कैरेक्टर को टच करता हूँ और अलाउ कर देता हूँ। तो ये देखिए नीचे की तरफ हमारे तीन कैरेक्टर हो चुके हैं, तो अब हम तीसरा भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब ये जो तीन कैरेक्टर हैं जिनमें दो हम स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं और एक सर, तो सर के कुछ फेस वगैरह इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दें तो उसको टच करके ये जो सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है उसको हम टच करेंगे। और अब यहाँ से इसकी सेटिंग वगैरह यानी हेयर स्टाइल वगैरह है ये चेंज कर सकते हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लेडी इसको रखना है तो आप लेडीज़ के हिसाब से ही हेयर वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ से आप बैक करके
कपड़े वगैरह यहाँ से इसके चेंज कर सकते हैं, कौन से रखना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। मगर दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना होगी कि इसके लिए भी आपको जब सेव करेंगे तो आपके लिए कुछ क्रेडिट होना ज़रूरी है, यानी 5 पॉइंट होना ज़रूरी है, तब ये सेव होगा। तो ये देखिए मेरे पास अभी 3 है, मगर यहाँ पर मेरे पास ये सेव नहीं होगा, यानी मैं इसको अभी सिलेक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे कुछ क्रेडिट लेना होगा, यानी अर्न वगैरह करना होगा। इसके लिए हम ये खरीद भी सकते हैं और फ्री भी ले सकते हैं, और फ्री लेने के लिए आपको कुछ ऐड वगैरह देख के यहाँ से अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ ऐड देख लिए हैं और ये मेरे 5 पॉइंट बढ़ चुके हैं। तो यहाँ से मैं अब इसे सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अभी आपके सामने सिंपल ही दिखेंगे, मगर आपकी इस कार्टून की सेटिंग हो चुकी है, आप जब स्टार्ट करेंगे तो ये सही लुकिंग में आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर शूटिंग स्टार्ट करता हूँ, मगर दोस्तों अभी मेरे पास 5 पॉइंट और चाहिए तब मैं इसकी शूटिंग कर पाऊँगा। तो मैं एक बार और ऐड देखकर यहाँ पर कुछ और पॉइंट अर्न कर लेता हूँ। तो मैंने 6 पॉइंट अर्न कर लिए हैं और अब मैं यहाँ से बैक जाकर शूटिंग स्टार्ट करता हूँ। और मैं यहाँ पर हेडफोन का यूज कर दे रहा हूँ और अब आपकी स्क्रीन आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। आपने जो भी स्क्रीन ली होगी, जैसे कैरेक्टर लिए होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो कार्टून्स दिख रहे हैं तीनों के ये एंगल दिख रहे हैं आपके सामने, यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इनका एक जो मैंने रूम सेलेक्ट किया है, मैं उसमें इन्हें भेज देता हूँ। इनको सभी को पहले अपनी अपनी जगह पर जमा देता हूँ पहले। ये देखिए मैंने इसको इस टेबल पर बैठा दिया है और फिर मैं इसको भी ले जाकर बाहर खड़ा कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर खड़ा कर दिया है। यानी आपको स्टोरी शुरू करने से पहले अपने कैरेक्टर्स को सही लोकेशन देनी होगी, किस तरह से आपको स्टार्ट करना है ये आप अपने हिसाब से सोच कर जमा लीजिए कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना है। तो मैंने ये सभी जमा लिया है और अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं आएगा और आपके कोई भी बटन्स वगैरह भी, आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो उस टाइम पे बटन्स वगैरह ये जितने भी दिख रहे हैं कोई भी बटन्स रिकॉर्ड नहीं होगा। आपकी जैसी आप कार्टून वीडियो बना रहे हैं वैसी ही बनेगी। और मैंने अभी ये पहले एक बार बना ली है और मैंने इसको अभी साउंड जो है म्यूट कर दिया है। तो मैंने सभी ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि मैं एक एक करके किस तरह से कर रहा हूँ। मुझे भी ये स्टार्ट में दिक्कत आई थी क्योंकि मैं हर चीज़ को बार बार खिसकाना करना और ये बटन्स वगैरह सही से नहीं चल पा रहे थे। तो मैंने जैसे तैसे इनको जमाया किया, मगर आपके लिए ये सभी स्टार्ट में होगा। धीरे धीरे आपको जब आदत पड़ जाएगी और आपके लिए समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इनको रन करना है, तो आप धीरे धीरे इनको सभी आसानी से कर सकते हैं। और कोई भी मूवमेंट अगर गलत भी होता है तो आप एडिटिंग टाइम पर वो मूवमेंट आप वहाँ से कट कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन्हें कट करना है और किस तरह से इन्हें आपको पूरी तरह से जमाना करना है, ये सभी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने ये दोनों करेक्टर को यहाँ पर रख लिया है और इनका मैं अब एंगल शूट कर लेता हूँ। एंगल किस तरह से रखना है मुझे कि किस तरह से एक कैरेक्टर के बोलने पर उसका फेस बिल्कुल सामने रहे और फिर दूसरा कैरेक्टर के बोलने पर फेस किस तरह से आना चाहिए, ये मैंने सभी पहले जमा लिया है। और अब मैं बाद में इन सभी के डायलॉग्स वगैरह बोलकर इनकी शूटिंग पूरी कर लेता हूँ। तो इसी तरह से मैंने दोस्तों पहले कैरेक्टर को ले लिया, उसका इंटरव्यू कर दिया है और अब मैं दूसरे कैरेक्टर को सेलेक्ट करके, यानी ब्लू शर्ट वाला जो कैरेक्टर है सेकंड, उसको मैं यहाँ पर लाता हूँ और उसके भी डायलॉग्स वगैरह जो मैंने सोच रखे हैं, जो मैंने स्टोरी के हिसाब से जमा रखे हैं, वो मैं यहाँ पर इसको उसको लाकर शूट कर लेता हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी अपनी कोई भी स्टोरी जमाइए, पहले सोच लीजिएगा कि कैसे करना है। तो अब मैं इसे यहाँ पर लाता हूँ। आपको अभी इस रिकॉर्डिंग में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहे होंगे जो कि मैंने जो मेन वीडियो बताई थी स्टार्ट में उसमें नहीं है, क्योंकि मैं ये अभी शूटिंग टाइम है
और शूटिंग के बाद फिर मैंने इसे एडिट करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके बाहर कर दिया, यानी निकाल दिया और डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर वीडियो आपको भी इसी तरह से शूट करके एडिट करना है और अननोन पार्ट्स को हटा देना है, तो आपकी वीडियोस बिल्कुल इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए चेयर के पास में मुझे कितनी दिक्कत हुई थी इसको बैठाने में, तो मैंने इसको जैसे तैसे बैठाया और फिर मैंने इसके एंगल सेट किया और फिर इसके डायलॉग्स वगैरह जो भी हैं मैंने पूरे इस पर एक एक करके दोनों को डायलॉग्स वगैरह दिए। इसी तरह से दोस्तों आपको एक कार्टून को सिलेक्ट करना है, फिर उसके डायलॉग बोलना है, फिर दूसरे कार्टून को सिलेक्ट करके डायलॉग बोलना है, और इस तरह से एक एक करके मैंने अपने डायलॉग्स वगैरह दिए। और आपकी जो भी स्टोरी है आप अपने हिसाब से डायलॉग्स एक के बाद एक देते जाइए। मूवमेंट वगैरह अगर देना है तो वो भी दे सकते हैं, स्माइली वगैरह, फेस एक्सप्रेशन वगैरह जो भी आपको देना है आप दे सकते हैं, मगर मैं ये एक्सप्रेशन वगैरह का यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि कोई खास ज़रूरत नहीं है मुझे। और मैंने ये अपनी रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है, और यहाँ पर आपके सामने प्ले का ऑप्शन आता है, तो आप चाहें तो इसे प्ले करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो लगभग 12 मिनट के आसपास बना है, यानी जब आप वीडियो एडिट करेंगे तो एडिट होने के बाद आपके अननोन पार्ट्स हटने के बाद आपका वीडियो हो सकता है 3 या 4 मिनट के आसपास ही रह जाए। ये आपकी वीडियो की फर्स्ट कितनी जल्दी बनाया है वो हिसाब से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैक आते हैं और ये पहला ऑप्शन नीचे की तरफ जो टच करते हैं, यहाँ से आप अपनी वीडियो की लिस्ट देख सकते हैं, आपकी जो भी वीडियोस बनाई हो। मैंने इतनी वीडियोस बनाई थी जिन पर मैंने ट्रेनिंग करी, और मैं चाहूँ तो यहाँ से डिलीट भी ये डिलीट के ऑप्शन के द्वारा कर सकता हूँ। मगर दोस्तों आपको अपने मोबाइल में कहाँ ढूंढना है, हो सकता है कि आपको अपने मोबाइल में ना मिल पाए, तो इसके लिए मैं ये इसकी लोकेशन भी बता देता हूँ कि मोबाइल में ये कहाँ स्टोर होती हैं। तो मैं अपने मोबाइल का स्टोरेज खोलता हूँ फाइल मैनेजर, और फोन स्टोरेज में एंड्रॉयड का फोल्डर ओपन करके डेटा का फोल्डर में जाता हूँ, फिर लास्ट में आपको दिखेगा com.tbc.mjoc2, इस नाम का एक फोल्डर दिखेगा, यहाँ पे आपकी जितनी भी वीडियोस आपने बनाई होंगी वो यहाँ पर आपकी दिख जाएंगी। तो यहाँ देखिए सामने दिख जाएगी, और दूसरा आपके वीडियो क्लिप का एक और फोल्डर है इसके अंदर ही, वहाँ पर भी आप चेक कीजिए, वहाँ पर भी आपकी मिल जाएगी। तो आप यहाँ से आप प्ले करके भी देख सकते हैं। ये देखिए 12 मिनट लगभग मेरा ये वीडियोस बना है। अब मैं इसे एडिट करूँगा अपने वही काइनी मास्टर एप्लीकेशन में। अगर आपने काइनी मास्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड कीजिए और उस स्टार्ट कीजिए। मैं इसे ओपन करता हूँ डायरेक्ट, और एम्प्टी प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पर मीडिया ब्राउजर से ये जो हमने ये जो वीडियो अभी शूट की है मैं इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आप काइनी मास्टर चलाना जानते हैं तो बड़ी आसानी से अब आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप काइनी मास्टर चलाना नहीं जानते तो आप हमारे काइनी मास्टर के सभी ट्यूटोरियल्स देखिए, उनमें सभी में मैंने डिटेल में बताया है कि आपको एक एक फीचर्स का यूज़ किस तरह से करना है, अपने मोबाइल में वीडियो एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जो भी अननोन पार्ट्स हैं मैं हटाता गया और अपनी वीडियोस को इस तरह से कंप्लीट करता गया मैं। ये देखिए ये जो कार्टून बैठ नहीं पा रहा था, यानी सही से जम नहीं पा रहा था, ये मेरा टाइम जो वेस्ट टाइम था वो मैंने सभी को कट करके डिलीट कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप आ गए हैं यहाँ तक तो आप एडिट तो कर ही सकते हैं। तो मैंने ये सभी पार्ट्स कट कर लिए हैं, और मुझे जहाँ पर जिस पार्ट की स्पीड को कम ज़्यादा भी करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा डायलॉग वगैरह भी अगर मुझे कुछ याद आते हैं या बाद में जो भी कार्टून के हिसाब से अच्छे लगते हैं मैं वो भी दे देता हूँ, और साथ में फ़नी टून्स जो होती हैं वो ज़रूर आप पहले से डाउनलोड करके ज़रूर रखिए, क्योंकि वो फ़नी टून्स आप एडिट के टाइम पर ही दे सकते हैं, और आप चाहें तो शूटिंग टाइम पर भी दे सकते हैं, मगर वो हो सकता है आपको समझ में ना आ पाए। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो का जो टाइटल रखा है वो डेंजर्स इंटरव्यू नाम रखा है इसका, और यहाँ पर मैं अब म्यूज़िक देता हूँ, यानी मेक जॉक के जो फनी ट्यून्स हैं वो मैं यहाँ पर लगाकर एक एक बार एक एक को कट करके यहाँ पर सभी को जमा लेता हूँ। और मैंने सभी पार्ट्स को कट करके अननोन पार्ट्स हटा दिए हैं, और मैंने इस तरह से अपनी सारी कटिंग्स लगा दी हैं, और ये जो टून्स हैं वो पूरी MP3 में है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो
ये जो वीडियो की सभी टूल्स है, मैं जहाँ जहाँ वीडियो में कट्स आ रहे हैं वहाँ वहाँ मैं ये टूल्स कॉपी करके भी लगा सकता हूँ। तो मैंने ये सभी फनी साउंड्स कटिंग करके अपनी वीडियोस में लगा लिए हैं, जहाँ जहाँ मुझे लगाने थे मैंने ये लगा लिए हैं। और दूसरा, मैंने ये जो वीडियोस है जहाँ मुझे फास्ट करना था तो मैंने उसे फास्ट कर लिया है, जहाँ मुझे कट करना था, जहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग टाइम लग रहा था वीडियोस को शुरू होने में या अपने कार्टून्स को जल्दी आने में, तो मैंने वहाँ का बीच का पार्ट कट कर दिया है और इस तरह से मैंने अपनी ये वीडियोस कंप्लीट कर ली है। और दूसरा, मैंने ये एक्स्ट्रा डायलॉग जो मुझे देने थे, जो मुझे रिकॉर्डिंग करते टाइम पर कुछ नहीं दे पाया या फिर मुझे बाद में याद आए, तो आप एडिटिंग के टाइम पर भी ये डायलॉग वगैरह बाद में भी यहाँ पे दे सकते हैं। और इस तरह से मैंने अपनी ये वीडियो कंप्लीट कर ली है और ये मैं आपको अब एक बार थोड़ी सी प्ले करके दिखा देता हूँ। संभल के रहियो, डेंजर है। कम यार बच्चों। तो इस तरह से मैंने अपनी ये वीडियो कंप्लीट कर ली है और आप भी अपने मोबाइल पे अब मेक जोक ऑफ तरह की सेम वीडियोस बना सकते हैं अपने मोबाइल पर ही। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये सब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा, ये ट्यूटोरियल आपके लिए कैसा लगा, आपके लिए ट्यूटोरियल इंपॉर्टेंट रहा या नहीं, हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय। सुना जी, मुझे एक नई साड़ी दिला देंगे आप? नहीं, तेरी पुरानी साड़ियों से पूरी अलमारी भरी पड़ी है। पर वो तो पूरे मोहल्ले वालों ने देख लिए। तो मोहल्ला ही बदल देते हैं, तेरी साड़ियां भी नई हो जाएंगी।